आरआरबी एनटीपीसी की जो है वो फॉर्म आ चुकी है। और अगर आप जो है वो ग्रेजुएट लेवल वाली फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसकी सीईएन नंबर 05/2024 है, यानी 5/2/2024 है, तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो ग्रेजुएट लेवल वाली है। तो इसमें जो है वो मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेनली ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से, तो आपको कैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले की जो लास्ट डेट है आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको फॉर्म इससे पहले फिलअप करनी है, और साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोशिश करनी है कि इस डेट से पहले आपका फॉर्म बना हुआ हो, ताकि आपको बाद में लेटर स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें जो है वो सर्टिफिकेट की रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है वो आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो क्लॉज 8.3 को आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली जो है वो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट एनेक्सर 1 के बेसिस पे होना चाहिए, पहली बात। और यहाँ पे आपका जो है वो एनेक्सर 2 भी होना चाहिए एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये फॉर्म 1 जो है ये तो ऑफिस में बनेगा, मीन्स ये जो है वो इस पे तहसीलदार, डीएम, इन सभी के साइन होंगे, लेकिन ये जो है वो सेल्फ बनेगा। इसमें जो है वो आपको किसी की साइन की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है वो देखोगे कि नीचे में जो है वो सभी जो चीज़ें लिखी गई हुई हैं वो यही है कि आपका जो है वो जो केंद्र सरकार होती है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर्टिफिकेट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है वो प्रूफ होना चाहिए कि आप जो है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हो। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, मतलब 8 लाख से 8 लाख पर एनम, 8 लाख सालाना अगर से ज़्यादा आपकी परिवार की आय है, तो उस केस में आप जो है वो क्रीमी लेयर में लाई करते हो। लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है, ओके, तो उस केस में आप जो है वो एनसीएल में लाई करते हो। तो ये जो है वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का खेल है। अब देखो फॉर्मेट भी आपको मैं दिखा दूँ। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफ़ी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। देता हूँ तो ये जो एनेक्सर 2 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट पे आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये जो है वो अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख लेना, आपकी सारी जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो है वो अगर नहीं पता है एकदम कि कहाँ से शुरुआत करें, किससे ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑफलाइन अप्लाई करें, डिजिटल बनेगा सर्टिफिकेट या मैनुअल वाला, या फिर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो फिर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये जो सेकंड वाला जो एनेक्सर है, यहाँ पे एनेक्सर 2 है, इन सभी ये सभी फॉर्मेट्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो है वो खुद से आपको हैंड रिटन भरना है, इसमें किसी से आपको साइन करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो देखो सीधा जो है वो आरआरबी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा ही अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे अगर आपका नाम राजीव है तो RAJIV, ओके, राजीव रंजन ऐसे आप लिखोगे, और सिग्नेचर आपका जो भी होगा, ओके, तो राजीव रंजन अपना सिग्नेचर जो भी होगा कर दोगे। जिस दिन आपका आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी दिन का यहाँ पे डेट देना, ओके। लेट सपोज कि आपने जो है वो 12/10 को फॉर्म फिलअप किया, ओके, 12/10/24 को, तो यहाँ 12/10/24 लिख देना, और प्लेस जो भी होगा, फॉर लेट से अगर मेरा प्लेस अजमेर है तो मैं अजमेर लिख दूंगा यहाँ पे, ओके। सो यही बस आपको इतना करना पड़ता है, और कुछ नहीं है खास। तो आपका जो है वो ओबीसी एनसीएल का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स चेक होती है बहुत ही बारीकी से, तो अगर कुछ भी आपका नेम में या फादर्स नेम इन सभी में मिस्टेक है तो या तो आप उस सर्टिफिकेट को सुधार करवाओ या फिर नया सर्टिफिकेट बनवाओ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखो आप इस बात को भी नोटिस करो कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो कोशिश करो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की बनी हो, और लास्ट डेट जो की होती है 13/10/24, इस दोनों के बीच में आपकी सर्टिफिकेट बनी हो, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी इशू ना हो, ओके। और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप ओल्डर सर्टिफिकेट पर रिलाई मत करना,
भरोसा इतना मत करो कि होल्डर सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। अगर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े पैसे लग रहे हैं, थोड़ा करो। ऐसा नहीं है कि इजीली इतना हो जाएगा, क्योंकि 27% रिजर्वेशन बहुत मायने रखती है। और अगर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ आपके सर्टिफिकेट की वजह से कुछ चूक होगी, तो वो बहुत ही रिग्रेटिंग होगा, तो प्लीज़ उसको मत करना। तो आई होप कि इसके रिगार्डिंग जो जानकारी थी मैंने दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको लगती है कि आपकी यहाँ पे है, तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। RRB NTPC की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं तो आपको यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो इसे फ़ोन में भी अपने जो वो टेक्स्ट बुक ऐप अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अराउंड 1000+ जो है वो टोटल टेस्ट है, और इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ ही रेलवे की जितनी एग्जामिनेशंस होती हैं और SSC की एग्जामिनेशंस होती है, उन सभी के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर दोनों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे जो है वो पास्ट ईयर पेपर्स 164 है, और यहाँ पे 2022, 2016 और 2020 और 2021 चार साल के पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है वो इन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही जो है वो अच्छा आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। और यहाँ पे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेल्दी कंपटीशन आप यहाँ पे फेस कर पाओगे, जो कि 6 लाख अराउंड स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही जल्दी जो है ये 7 लाख और 10 लाख भी हो जाएंगे। ओके मीन्स यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ही रिलाई करते हैं, और आप जितने भी स्टूडेंट्स जो जिनका NTPC निकलता है या फिर आपने ग्रुप डी देखोगे कि निकला हुआ है, वो सभी जो है वो टेस्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन करते ही हैं। तो आप जो है वो इससे अपनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो देखो इसकी प्राइसिंग जो है वो डिटेल्स वेरी करते रहती है। आप जो है इसका 3 ईयर्स वाला पास परचेज कर सकते हो, 649 इसकी प्राइसिंग है, 3 साल के लिए आपको 649। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, जिस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे तो और भी प्राइस कम हो जाएगी। ये जो कूपन कोड है ये है JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो और भी जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये जो 600 रुपये, 649 रुपये है वो घट के और भी कम में आपको मिल जाएगा। और 1 ईयर वाला मत लेना, ये जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, स्टूडेंट्स 1 ईयर वाला कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन क्या होती है कि NTPC या फिर रेलवे की एग्जामिनेशन यूजुअली डिले चलते रहती है, तो आप जो है वो सोचोगे कि मेरा सब कुछ 1 साल में हो जाएगा, तो वो बहुत ही रेयर होता है। ओके सो आप जो है वो इसमें थोड़ा टाइम लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आप जो है वो इस कूपन कोड को अप्लाई करके अपना जो है वो पास भी परचेज कर सकते हो, और प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि आपकी जो है वो सिलेक्शन की चांसेस बने। और देखो यहाँ पे जो है वो आपको सब कुछ की प्रैक्टिस मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, CBT 1 के लिए फुल टेस्ट भी है, अभी लूसेंट का जो GK है उसकी भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट ये सभी तो होते ही रहती है। ओके सो आई होप कि आप जो है वो इसको एक बार कंसिडर करोगे। और अगर आप चाहते हो कि फ्री में कुछ टेस्ट देना, तो आप जो है वो 10 टेस्ट फ्री में यहाँ पे दे सकते हो। सो एक बार टेस्ट बुक आपको जरूर डाउनलोड करें, और इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।